स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू में आगे के फॉर्मूलेस को कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 है। हम इससे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 7, और फॉर्मूला नंबर 7 है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इक्वल कप्पा इंटू वी। वी मीन्स वॉल्यूम भी आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला एक ये हो जाता है इसका, एंड दस अनदर फार्मूला इज लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम हेयर इज मोलैरिटी, तो आप मोलैरिटी यहाँ ले सकते हो सॉल्यूशन की जो भी गिवन है। इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 8 इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉड इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ओके, और लैम्डा एम नॉट इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, ओके। आप कुछ भी इसमें से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 9, द नंबर 9 इज कोलरॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा नॉड प्लस आयन प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव आयन। यहाँ जो आपको वी और लैम्डा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें V पॉजिटिव और V नेगेटिव आयन की, तो ये नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस हैं, नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन में फॉर्म हुए हैं, फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। जबकि सेकंड थिंग लैम्डा नॉट पॉजिटिव आयन एंड लैम्डा नॉड नेगेटिव आयन, ये क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है बेटा। दीज आर मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉड एम। इन दिस केस लैम्डा सी एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, बट ये वाली जो होगी ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी, ठीक। नंबर 11, नंबर 11 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए, ठीक है। तो के ए क्या होता है,
इसका क्या फॉर्मूला होगा, के ए इक्वल सी इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बट एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इफ कंसंट्रेशन इज वेरी लो, अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, मीन्स लेस देन 1 है, तो के ए इक्वल हो जाता है सी एल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको तैयार करने हैं, और जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा उस नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर के बचे हुए सारे फॉर्मूलेज मैं तैयार करा दूंगा। तो आप देख सकते हो बस 5-5 मिनट की छोटी छोटी वीडियो से आप पूरे चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को कैसे रिवाइज कर लेते हो। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।